ओए दोस्तों, ये कहानी है सुपर वर्ल्ड की। यहाँ पर आम लोगों के साथ सुपर हीरोज भी रहते हैं। ये उनको बचाते हैं हर मुसीबत से। और ये है क्रिमिनल मैन, सबसे ताकतवर सुपर हीरो इस दुनिया का। तुझे पता है, कल फिर से क्रिमिनल मैन ने गुंडों की माल माल के सतनी बना दी। हाँ, पर मेरा फेवरेट सुपर हीरो तो इनविजिबल मैन है, कहीं भी गायब होके छुप सकता है। अरे ये देख, ब्राउन स्टिक का पोस्टर लगा है, लगता है इसका नया फिल्म आने वाला है, हम दोनों जाएंगे देखने। अरे कोई रोको उसे, साला बैंक लूट के जा रहा है, पुलिस से नहीं बच पाएगा तू। अच्छा तो सालो तुम रोकोगे मुझे? हाँ, सपने देखो। अरे ये गुंडे तो सीधा हमारी तरफ ही आ रहे हैं। बसो, चिंता मत करो, साले अभी उड़ाता है तेरे को। क्रिमिनल मैन एक दिन शहर के सारे गुंडों का सफाया कर देगा। बच्चों चिंता मत करो, मैजिकल सकुरी आ गई है। अरे तुम सुपर हीरोज की तो ऐसी की तैसी, मारो सालों को भाई। रे तुम के मारोगे, सुपर आलोक किसी को ना छोड़ता से। भाइयों गोली से भूंडो इन सालों को। अरे बदमाशो, तुम्हारी गोली भैंस छोड़ रही है। चल तुझे मैं घूसा मार के आसमान की सैर करवाता हूँ। अरे दोस्त बोला तो सही, बुलेट वेस्ट होगी, कोई फायदा नहीं है। हो गया टेढ़ा, तो अब मेरी बारी। क्या हुआ बदमाश, निकल गई साड़ी हवा? अरे वाह क्रिमिनल मैन, गुंडों को मार दिया, मजा आ गया, एक सेल्फी ले लो हमारे साथ। हाँ भाई चलो बच्चो, तुम्हें भी सेल्फी दे देता सू। अरे सुपर आरोक बस से मेरे फैन है टेढ़े नहीं, मैं खिंचवाऊंगा उनके साथ फोटो। अरे वाह क्रिमिनल मैन, एक बार फिर से तुमने गुंडों को सबक सिखा दिया हो, तुम्हारा तो जवाब नहीं हो। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये तो हमारा फर्ज है शहर को सुरक्षित रखना। हाँ भैया आपको क्या चाहिए बताइए। अरे मेरे को 2 पैकेट आका नूडल्स दे रे बाबा। सॉरी सर, अभी वो अवेलेबल नहीं है, कल आ जाएंगे। अरे तो अब मैं कहाँ लेने जाऊँ रे? ओ भैया मेरे भाई को क्या परेशान कर रहा है, कहीं और से ले लेना यड़े। अरे भैया आपको कितनी बार बोला है, आप मेरे कस्टमर्स को परेशान मत किया करो। वो सब छोड़, चलना छोटे घूमने चलते हैं दोनों भाई, मजा आएगा। नहीं भैया अभी मुझे शॉप पर काम है, कल जाएंगे संडे को। अरे अगर अका नहीं है तो बाका नूडल्स दे देना रे। हाँ सर वो शायद हमारे पास एकाध पड़ा होगा, मैं देखता हूँ। अबे ओ बुड्ढे, ये मेरा छोटा भाई है, तमीज से बात करना, समझा? भैया ये क्या कर रहे हो, आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते। और तू भी मेरी बात कहाँ सुनता है, कब से बोल रहा हूँ चल घूमने चलते हैं। हाँ चलिए अब और कोई रास्ता ही नहीं है, कहाँ जाएंगे? चल मेले में जाते हैं, आइसक्रीम खिलाऊंगा तेरे को। गाइस क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो, ताकि मेरे जैसे सुपर हीरोज आपको एंटरटेन कर पाए। हैं सुपर हीरो की वजह से हमारे शहर में कितनी शांति है, मेरे जैसे आम लोग भी शहर में शांति से घूम सकते हैं। मेरी फेवरेट तो उनमें से सुपर सकुरी है, एक बार मिल जाए ऑटोग्राफ ले लूंगा। मार साले को, अगर अपने एरिया में रहना है तो हफ्ता तो देना पड़ेगा ना। अरे पर भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है। शाबाश, अगर पैसा नहीं देगा तो मार खाना पड़ेगा। अरे यार ये उस बेचारे को क्यों मार रहे हैं? अबे ओ उस बेचारे को क्यों परेशान कर रहे हो, छोड़ दो उसे। हाँ भाई साहब मुझे मत मारो छोड़ दो। छोटे मार साले को। अरे उसे मत मारो वरना मजबूरन मेरा हाथ तुम पे उठ जाएगा, फिर भारी पड़ जाएगा। नहीं छोटे वो नूबड़ा तो बोलता रहेगा, तू कंटिन्यू रख, मारता रहे उसे। अरे मत करो, मैं तुम लोगों को पीटना नहीं चाहता हूँ। तू नूबड़ा हमें नहीं पीट सकता।
अबे तेरी ये हिम्मत मेरे होते हुए मेरे आदमी पर हाथ उठाता है। अरे मुझे माफ कर दो, पता नहीं ये कैसे हो गया, मुझे बीमारी है, ऐसी सिचुएशंस में मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। साले मार के अनजान बन रहा है। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे साथ ही अक्सर होता है, मैं अपने आप ही बदमाशों को पीटने लगता हूँ। आइए आइए महान जिम्मेदार सुपर हीरो, मैं जान सकता हूँ अब तक आप कहाँ थे? रे मास्टर, हम इनविजिबल मैन को ढूंढ रहे थे, वो मिला ही नहीं तो फिर हम चार ही आ पाए, उसकी वजह से हेडक्वार्टर आने में लेट हो गया। इनविजिबल मैन कब से यही है, शुभ शाप मेरी कॉफी पी रहा है वो। अरे मैं तो इनविजिबल हूँ पर फिर भी इसको खाई से पता चल गया। इनविजिबल मैन, तुम इन सबकी नजरों से छुप सकते हो पर मेरी नजरों से नहीं, मैं तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, ये बात तुम अपने पैसे में घुसा लेना। हाँ मैं समझ गया मास्टर, आपकी कॉफी के फाई से दे दूंगा। बात ये नहीं है इनविजिबल मैन, बात ये है कि जब बैंक रॉबरी हुई तो तुम उसे पकड़ने आए क्यों नहीं? सिर्फ मैं, मैजिकल सकुड़ी और सुपर आलोकी थे, तुम तीनों कहाँ अय्याशी कर रहे थे? अरे मेरी गाड़ी में पंचर हो गया था, मैं आपकी तरह उड़ थोड़ी ना सकता है, इसीलिए आ नहीं पाया मास्टर। अरे मेरी तबीयत खराब थी इसीलिए नहीं आ पाया मास्टर। अच्छा, और मैं जान सकता हूँ इनविजिबल मैन आप क्यों नहीं आए? अरे मैं तो वही था पर मैं इनविजिबल था इसलिए किसी को दिखा नहीं। देख इनविजिबल मैन, ज्यादा तेज मत हो वरना तुझे टीम से निकाल दूंगा, फिर तू कहीं का नहीं रहेगा। नहीं नहीं मास्टर, गलती हो गई, आगे से नहीं होगा, मुझे बस टीम से बाहर मत निकालिएगा, ठीक है? और सुनो, पुलिस स्टेशन से कैडी भाग गया है और मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, तो उसे कौन पकड़ने जाएगा? अरे मैं जाऊंगा मास्टर, क्योंकि मैं रन मैन हूँ, सबसे तेज दौड़ता हूँ, पर तुम तो बीमार हो, तेज भाग पाओगे? भरोसा कीजिए मास्टर, 5 मिनट में कहीं से भी पकड़ लूंगा उसे। ठीक है तुम पकड़ के आओ, मैं 1 घंटे में आता हूँ अपना जरूरी काम निपटा के। ये हर शनिवार को कहीं जाता है रोबोमैन, मुझे तो लगता है ये अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने जाता होगा। नहीं, इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। देखा छोटे, मजा आ गया ना मेले में आके, मैंने तेरे को बोला था ना ये काम वाम छोड़, रिलैक्स कर। हाँ सही कहा भैया, कभी कभी रिलैक्स कर लेना चाहिए ये सब चीजें छोड़कर। वैसे छोटे तेरा बर्थडे आ रहा है, बता क्या गिफ्ट चाहिए? तुझे जो चाहिए वो ला के देगा तेरा भाई, तू बस बोल। अच्छा भैया, जो बोलूंगा वो ला कर दोगे, सोच लो एक बार। अरे छोटे बोल ना, वैसे भी तेरे भाई की चलती है इस शहर में। भैया मुझे कोई महंगी गिफ्ट नहीं चाहिए, बस आपसे एक वादा चाहिए। हाँ क्या वादा चाहिए बोलना? कि आप ये बदमाशी छोड़ दोगे और एक शरीफ आदमी बन के दुकान में मेरा हाथ बटाओगे। ओ बे यार, तू कैसा ये बोरिंग काम करवा रहा है मेरे से? हाँ बोरिंग तो है भैया, पर आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपके धंधे में पता नहीं कब कोई गुंडा आके आपको गोली मार दे। और मेरा छोटे भाई, कितनी फिक्र करता है तू मेरी, चिंता मत कर, इसीलिए तो मैं अपने साथ गन रखता हूँ। नहीं नहीं भैया, आपने बोला था मैं जो बोलूंगा वो आप करोगे। ठीक है छोटे, चल मैं बदमाशी छोड़ दूंगा और हम दोनों साथ में दुकान में काम करेंगे। ओए बेटा आदम, बताओ क्या हो गया तुम्हें? अरे पता नहीं डॉक्टर साहब, मेरे साथ कुछ अजीब सी चीजें हो रही है। अच्छा ओए, पूरी बात बताओ, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? डॉक्टर साहब, मैं किसी के साथ बुरा होते हुए देखता हूँ तो उन्हें पीटने लगता हूँ। मैं चाहता नहीं हूँ पीटना, फिर भी पीटने लगता हूँ, मेरी बॉडी मेरी कंट्रोल में नहीं होती। ओए ऐसी बीमारी के बारे में मैंने तो कभी नहीं सुना, झूठ बोल रहा है तू, तुझे बस बहाना चाहिए लोगों को पीटने का। ओए अरे नहीं डॉक्टर साहब, मैं चाहकर भी किसी को ऐसे नहीं पीट सकता, एक घूसा मारते ही आसमान में पहुँचा देता हूँ उन्हें। ओए समझ गया, मतलब कि तुझे दिन में सपने देखने की आदत है, ऐसे थोड़ी कोई आसमान में भेज सकता है। अरे मेरा यकीन करो डॉक्टर साहब, कोई सपना नहीं है। अच्छा तो चल मुझे आसमान में पहुंचा के दिखा, तब मैं मानूंगा। अरे मैं ऐसे थोड़ी ना कर सकता हूँ, अगर आप कुछ गलत करो तभी कर सकता हूँ, भले आदमी को मैं नहीं मार पाता। ओए मैं कौन सा भला आदमी हूँ, मैं भी एक गैंगस्टर हूँ, पहले लोगों को मारता हूँ और फिर उनका इलाज करता हूँ, दोनों तरफ से पैसा। ओए साले तू डॉक्टर के नाम पे कलंक है, तुझे छोड़ूंगा नहीं। ओए कोई बचाओ, ओए ये क्या हो रहा है, ये मुझे मार देगा। ओए साले 2 नंबर के टकले डॉक्टर, आज तो मैं तेरा टकला फोड़ दूंगा।
ओए मैं तो झूठ बोल रहा था, मैं तो ईमानदार डॉक्टर हूँ, कोई बचाओ। ओए अरे डॉक्टर साहब, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये गलती से हो गया, आप ठीक तो है ना? हाँ ओए, अब मुझे ले चल डॉक्टर के पास इलाज करवाने, हड्डियाँ टूट गए। ओए अरे पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, कोई मेरा इलाज कर भी पाएगा या नहीं। आइए आइए क्रिमिनल मैन, नाइट आपकी सेवा में हाजिर है। अरे नाइट, मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ, कहाँ है मेरा बेटा? अरे ये रहे आपके बेटे, हमारे किले में एकदम महफूज है। पापा आप आ गए। हाँ मेरे बेटे, तुमसे मिले बिना तो मेरा जी नहीं लगता है, मेरे जिगर के टुकड़े से मैं ज्यादा दिन मिले बिना रह नहीं सकता। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी होती है पापा। हाँ मास्टर, रोज याद करते हैं आपको आपके बेटे। हाँ बेटा, और आप ज्यादा नाइट अंकल को परेशान तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं पापा, बहुत नहीं करता हूँ, बस थोड़ा करता हूँ। अरे क्यों नहीं करेंगे, हक बनता है इनका, आखिर ये भतीजे है हमारे। पापा अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे भी आपके साथ चलना है आपके हेड क्वार्टर्स पे। नहीं नहीं बेटा, अभी आप छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ फिर ले चलूंगा। हाँ सही कहा, अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो फिर आपके खिलौनों से मैं खेलने लगेगा। अरे जाओ बेटा, अपने खिलौने छुपा दो, वरना नाइट अंकल छुड़ा लेंगे। हाँ पापा सही कहा, अभी जाके मेरे फेवरेट खिलौनों को छुपा देता हूँ। मास्टर आप अपने बेटे को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? नहीं नहीं, इसे वहाँ बहुत खतरा है, मेरे दुश्मन मेरे बेटे को नहीं बख्शेंगे, इसलिए तो मैंने इस बात को राज रखा है कि मेरा भी एक बेटा है। हाँ सही कहा, उन्हें खतरा तो बहुत है बार। हाँ मुझे भी डर लगता है कि कहीं हमारे दुश्मन यहाँ महल तक ना पहुँच जाए। नहीं नहीं मास्टर, आप बेफिक्र रहो, यहाँ पर सबसे माहिर नाइट्स तैनात है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता उनकी इजाजत के बिना, और उनके अंकल जी भी है यहाँ पर, काट डालेंगे रे किसी को भी। हाँ नाइट, इसलिए मुझे तुम पे बहुत भरोसा है, और सड़ो अब मैं सड़ता हूँ, मेरा ज्यादा देर यहाँ रहना मेरे बेटे के लिए सुरक्षित नहीं। अरे मेरी तबीयत अभी भी खराब है, पर ये बात मास्टर को पता नहीं लगने देनी है, इसलिए मुझे उस कैदी को पकड़ना पड़ेगा। 5 मिनट में तो मैं पूरे शहर का राउंड लगा लूंगा, फिर मिल जाएगा। चल बाबू मोसाई, अब दोनों भाई घर पे चलते हैं। हाँ भैया, पर आज आपकी कार मैं चलाऊंगा। अरे छोटे, तेरी ही तो कार है, चोरा ले। अरे नहीं, मेरी येलो रेस व्हाइट होने लगी। अरे लगता है मैंने किसी को उड़ा दिया, मैं फिर से काबू खोने लग गया, मेरी रेस भी जा रही है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे ये क्या हो गया छोटे, तू ठीक तो है ना? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा छोटे? नो, ये नहीं हो सकता छोटे, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, तेरे साथ जिसने भी ये किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, ये कोई आम आदमी का काम नहीं है, वो कोई सुपर था। छोटे मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा, उन सुपर को मैं मार के ही दम लूंगा।